हेलो दोस्तों, तो दोस्तों आयुष्मान खुराना और रकुल प्रीत की नई मूवी आ रही है जिसका नाम है डॉक्टर जी। अभी इसका एक पोस्टर रिलीज हुआ है। तो ये मूवी एक कैंपस मेडिकल कॉमेडी पर बेस्ड है। इस मूवी के डायरेक्टर अनुभति कश्यप हैं और इस मूवी को सुमित सक्सेना ने लिखा है। तो ये मूवी प्रोड्यूस कर रहा है जंगली पिक्चर्स। अगर बात करें इस मूवी के रिलीज डेट की तो ये मूवी 14 अक्टूबर 2022 को सिनेमा में रिलीज हो जाएगी। हमें इस मूवी के लीड रोल में आयुष्मान खुराना देखने को मिलेंगे जो इस मूवी में डॉक्टर उदय गुप्ता का किरदार निभाएंगे और रकुल प्रीत डॉक्टर फातिमा का किरदार निभाती हुई दिख जाएंगी। तो इस फिल्म को दिसंबर 2022 को अनाउंस कर दिया गया था आयुष्मान खुराना के साथ एज ए लीड रोल और फरवरी 2021 को रकुल प्रीत को भी इस मूवी के लिए साइन किया गया। अगर बात करें इस मूवी की शूटिंग की तो इस मूवी की शूटिंग जुलाई 2021 को शुरू कर दी गई थी और इस मूवी की ज्यादातर शूटिंग भोपाल में हुई है और ये मूवी की शूटिंग सितंबर तक समाप्त हो गई। तो इस मूवी को एक बार नवंबर 2021 को रिलीज करने के लिए अनाउंस कर दिया गया था कि ये मूवी 17 जून 2022 को रिलीज होगी, लेकिन कुछ कारण की वजह से इसे पोस्टपोन कर दिया गया। तो अब ये मूवी 14 अक्टूबर 2022 को रिलीज होगी। तो बात करें इस मूवी की स्टोरी की तो इस मूवी में हमें एक मेडिकल कैंपस दिखाया जाएगा जिसमें काफ़ी सारी कॉमेडी और मस्ती होगी और इसे आयुष्मान खुराना और रकुल प्रीत की लव स्टोरी भी दिखाई जाएगी। तो अभी तो इस मूवी का सिर्फ पोस्टर आया है। तो इस मूवी की पोस्टर की बात करें तो इस मूवी के पोस्टर में हमें आयुष्मान खुराना और कई सारी मेडिकल कैंपस की लड़कियाँ देखने को मिलेंगी। इस पोस्टर में आयुष्मान खुराना काफ़ी परेशान, अपने कानों में उंगली डाले हुए एक बेकार सा चेहरा बनाए हुए दिखते हैं और पीछे मेडिकल कैंपस की लड़कियाँ इन्हें परेशान कर रही हैं। अगर बात करें आयुष्मान खुराना की तो ये अपने अलग अलग अंदाज के रूप में जाने जाते हैं। जिस मूवी में भी होते हैं सबसे इनका अंदाज अलग होता है। तो किन किन को आयुष्मान खुराना पसंद है कमेंट में ज़रूर बताएं। तो आपका इस मूवी के बारे में क्या कहना है? क्या ये मूवी हिट हो पाएगी? अब चाहे जो भी हो ये मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। तो वेट करते हैं 14 अक्टूबर का। आप एक काम और कर सकते हैं, मेरा चैनल सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिए।